फाइनेंशियल के इश्यू से मैंने मीडियम भाइयों के सामने मैंने मेरी तकलीफ में जाहिर करी हूँ, और जैसे वीडियो अपलोड होती है तो मैं देख रही हूँ कि कमेंट्स में बहुत ही गलत कमेंट्स आए हुए हैं, 4-5 गलत कमेंट्स आए हुए हैं। तो मैं ऑलरेडी टूट चुकी हूँ। मैं सब लोगों को अपील कर रही थी कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है और मुझे मदद चाहिए बोल के। अगर एक औरत को आप लोग रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग हेल्प भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से गंदे गालियां आप जो YouTube में चैनल्स में आकर, आप न्यूज चैनल्स में आकर आप जो गलत गालियां दे रहे हैं, वो कितने तक आप लोगों के लिए अच्छा दिख रहा है आप बताइए मुझे। और ऐसे गालियां हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब जूम करिए यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गालियां है। ये कोई औरत को देने की गालियां है ये। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये मेरे से नहीं, कहीं बहुत सारे औरतों के साथ में हो रहा है ये चीजें। अगर औरत एक इज्जत के लिए मरती है तो इसके बारे में आप कंप्लेंट दिए कुछ? मैं अभी कंप्लेंट दी हूँ भाई, साइबर क्राइम में कंप्लेंट दी हुई, कंप्लेंट कॉपी है, ठीक है। और इस और मदद मांगने के लिए मैं जब भी अपील करी हूँ न्यूज चैनल्स में, तो कुछ कुछ लोग मुझे फोन करके शादी के ऑफर दे रहे हैं, आप यहाँ वहाँ ये बोल के बोल रहे हैं। तो लड़की यहाँ पर सेफ नहीं है। मैं गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट से यही अपील करना चाह रही हूँ मैं, कि जितना भी महिला संगठन है और जितने भी एनजीओ से, अगर एक औरत सिंगल पेरेंट बच्चों के साथ में मजबूर हालातों में रहते हैं, तो हमारे इज्जत नहीं जाना बोल के मैं आज मीडिया के सामने आई हूँ कि मेरे को कुछ अच्छे पब्लिक मेरे को मदद करे, तो मैं ये प्रॉब्लम से मैं बाहर आ सकती हूँ बोल के। इसमें भी गलत लोग कॉल्स कर रहे हैं, गलत कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं एक लड़की होकर। इसमें किसी के नाम लिखा है आप कंप्लेंट में? हाँ, इनके नाम लिखा है मैंने, इनका नाम है अशरद अहमद बोल के इनका नाम है। और मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि एक मुसलमान होकर एक औरत को इतने गंदी गालियां देना, मजबूर औरत को, टूटी हुई औरत को जो बेसहारा है, आके आपको अपील कर रहे हैं, हाँ, तो आप जो है एक अच्छा वर्ड नहीं बोल के आपको आप गालियां दे रहे हो। मेरे जैसे बहुत सारे औरतों को भी मैं देख चुकी हूँ वीडियोस में कि बहुत बड़े बड़े गालियां दे रहे हो उनको। तो औरत इज्जत के लिए मरती है, अगर इज्जत उसको निकाल दिए तो औरत मर गई है। तो मैं यही अपील करना चाह रही हूँ कि पूरे एनजीओ इसमें आप लोग सब लोग इकट्ठा होकर जितने भी औरत की इज्जत बचाना है, और मेरे हालात जितने भी खराब है एज ए सोशल एक्टिविस्ट, मैं फिर भी हिम्मत जुटा के मैं आप लोगों के सामने आके मेरी तकलीफ को बताई। दूसरे औरतें ऐसे आके नहीं तकलीफ बता सकते हैं या पुलिस कंप्लेन नहीं दे सकते, तो वो लोग घरों के अंदर घुट घुट के मर जा रहे। तो ये नौबत नहीं आना बोल के मैं ये कंप्लेन दी हूँ। आप सब लोग, मैं यही आपको अपील कर रही हूँ कि जितने भी पब्लिक है, जहन में आप औरत को इज्जत देना सीखिए आप। और यहाँ पर कुछ, मैं जब भी टूट गई थी हर हालातों से, जब मैं मेरे बच्चों के साथ में मर जाऊंगी बोल के जिस तरह से मेरे को जहन में आया था, तो मैं मीडिया लोग ही मुझे अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पूरे मीडिया को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। मगर इस चीज़ों में कुछ चंद रिपोर्टर्स है जो कि इस चीज़ों को भी फायदा उठाना चाह रहे हैं। एक औरत के नाते ये कितनी तकलीफ की बातें हैं कि कुछ ऐसे रिपोर्टर्स है औरत को अच्छी नज़र से नहीं देखते और औरत के बारे में डिफेमिंग करते हैं उसको। और ऐसे लोग जो चैनलों में काम करते हैं वो चैनल का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो मैं ऐसे रिपोर्टर्स को, मेरे भाइयों को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर एक औरत को अगर आप लोग ही अगर इज्जत नहीं देंगे तो कौन देंगे आप बताइए। आप लोग एक फेस है, तो चैनलों का भी नाम आप मत खराब करिए, ठीक है। मैं बहुत ही रेस्पेक्ट करती हूँ। कुछ चैनल के रिपोर्टरों का नाम बोलना चाहेंगे आप? नहीं, मैं किसी चैनल का नाम नहीं बताना चाह रही हूँ, रादर उनका भी नाम नहीं बताना चाह रही हूँ जो ये हरकत करे हैं। मगर मैं मीडिया से बहुत ही मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, मैं भी मीडिया से हूँ। तो इस तरह से एक मीडिया को जो बहन है, आप बहन मानते हैं मुझे, तो ये हरकत किसी औरत के साथ में भी आप मत करिए, ये मेरी गुजारिश है। और मैं तहे दिल से सारे मीडिया वालों को मेरी शुक्रिया अदा कर रही हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद।